जय गुरुदेव, जय जगन्नाथ। ज्ञान विज्ञान प्रज्ञानर अभिनव रूप रोमंथन को आपण समस्त स्वागत करुच्ची मुकुटी। दर्शक बंधु, रुद्राक्ष को आपण किपर व्यवहार करेंगे? अनेक जन भावती केवल आध्यात्मिकता रुद्राक्ष को साधन व्यवहार करें, किंतु सामाजिक स्तर में साधारण लोक मैंने किपर व्यवहार करें सुफल पाई नित्यदिन जीवन में, से विषय आपने जानवा पाँच गत अध्याय गुड़िक रोमंथन आज जानवा किसी नुआ कथा। से प्रथम स्वागत करवा आप समस्त प्रिय रेकी मिशन प्रतिष्ठाता तथा विज्ञानी गुरु गुरुदेव श्री संथ महोदय को। गुरुजी आप कार्यक्रम को स्वागत। जय गुरुदेव। गत अध्याय अनेक सुंदर कथा कहते सामाजिक चलणी पुणी तार प्रभाव ताकू नहीं कि किपरी शरीर उपर प्रभाव पड़ता है, क्यों अंग उपर बेसिकली पड़ता है, से अंग में किपरी रुद्राक्ष को व्यवहार करवा जहाद्वारा सुफल मिले से कांध हो हाथर कथा हो, आज कथा क्यों आरंभ करें? जहाँ आम चर्चा करुचे रुद्राक्ष को लेकिन जहाँ को आम भावुले केवल आध्यात्मिकतार तार उपयोगिता अच्छे सामाजिक स्तर में ना, ता एक भ्रांत धारणा। सामाजिक स्तर में साधनार आवश्यकता अच्छी, जे साधनार अर्थ नुहे केवल भगवत प्राप्ति कथा, शरीर एवं मन को शांत रखा साधना। जड़े साधारण क्षेत्र में कौ कौ अंगे रुद्राक्ष धारण कले तर कौ कौ अवस्था स्थिरता आसव से कथा को नहीं आम चर्चा करुचे, जहाँ रुद्राक्ष निर्णय शास्त्र अनेकांश वर्णना कर साधारण। आमर गोटे धारणा अच्छी जितेबाला आम रुद्राक्ष धारण करुचे से आम भावचे जे रुद्राक्ष धारण करक्ति कौन से आध्यात्मिक चेतना सहित जड़ित कौन से आध्यात्मिक संस्था सहित जड़ित, जहाँ संपूर्ण ठीक नुहे। जिते विज्ञान अग्रगति होते द्रव्य गुण जानवापी आम गवेषणारत द्रव्य गुण अनुसार आम रुद्राक्ष को देखुचे जे बहु भाव तार व्यवहार कर साधारण रु साधारण असुविधा दूर करने क्षमता रुद्राक्ष भितर अच्छे। तार द्रव्य गुण को नहीं हो, तार विद्युत शक्ति को नहीं हो, ता भितर थिबा जीवंत सेल गुड़ी को नहीं कि हो, जी कौनसी दृष्टिकोण आम जदि देखु तो रुद्राक्षर विशेषत्व कथा आम अनुभव करवा। आम सेल्फ इगो कथा कहते शरीर भितर जो सेल्फ इगो होते आम मेडिसिन मेडिसिनल प्रॉपर्टीज कथा कहते औषधीय गुण कथा कहते से चर्चा करते जी हाथ में कहीं रुद्राक्ष धारण करती जो पैरालिटिक अटैक होटाक हेना। ये आउ गोटे कथा आम विशेष भाव चर्चा करवा उचित, जो ओल्ड एज कथा आम कहे जो बयस जितेबाला हो जाए से फॉरगेटफुलनेस अल्जाइमर वाली डिजीज्र कथा आम कहे लोकर जो स्मरण शक्ति ह्रास हुए विस्मरी जाए अनेक गुड़े कथा, तो से परिस्थिति न आसवापाई एट्रोपी भाई डिजीज न होवापाई जदि आम हाथ में रुद्राक्ष धारण करुचे ताले ताहा आम शरीर पक्ष सबुठ सुस्थकर कथा हो पार। एवं एकाग्रता जो मैंने साधना क्षेत्र में निजे रही साधनार क्षेत्र कथा अच्छी सीस माने मध्य हाथ में धारण करें, कहीं ना जो आमर अभिमान अच्छे से अभिमान को आम निजर आयतरे रखा, कारण सरल भाव आम जो लोक कथार कथा हो जितेबाला अभिमान वृद्धि हुए से कौन हुए ना दुर्योधन भाई दशा भोग करने को पड़ा। अति माने चकोरवा जितेबाला मान आमर अधिका हो आम अभिमान स्तर में पहुँची जावा से आम निजे निजकू धूलिसात करवाई आमर जो चिंता आमर कार्य सब गुड़िक साय आम उन्नति नुहे, तेणु निजर उन्नति चित्त विस्मरी नजापी स्मरण शक्ति वृद्धि हवापी आम हाथ में मध्य बाहुरे हो रिस्ट्रे हो आम रुद्राक्ष धारण करते आज आम मुख्य क्षेत्र को जीवा जी एकाग्रतापाई आमको कौन सबुठ अधिक हिंडरेन्स अधिका प्रतिबंध सृष्टि करे आम सेठिकी जीवा एवं सेठ धारण करवा जहाँ साधारण भाव आम देखुचे जी जहाँ को भी पचार रुद्राक्ष कथा सी छाती धारण करवा कथा कह जा
आम गला एवं छाती दुटी भिन्न क्षेत्र गलार जोबले आम धारण करुचे से गला संलग्न हो रहा दरकार माला कि जो आम माला धारण करुचे छाती इंचेस्ट्रेसन से तार संख्यार भिन्नता आसुच्छे गलारे कहीं धारण करवा आम भितर दीटी घटना जहाँ आमको अस्थिर करें गोटे आम खूब उत्तेजित हो जा गोटे निष्क्रिय हो जा वन इज हाइपर कंडीशन अनदर इज डिप्रेशन कंडीशन तो मनीष जितेबले डिप्रेशन को पड़े से तो व्यतीव्यस्त हुए जो हाइपर हो जाए उत्तेजित हो जाए से व्यतीव्यस्त हो जाए एवं ये जो दुईटे कंडीशन कथा आम कौचे हाइपर और डिप्रेशन कथा ये दुईटे क्षेत्र में कौन हुए ना रक्तचाप जहाँ ये रोग सहित सीधा सड़क भाव में संश्लिष्ट और डायरेक्टली इट्स लिंक टू द डिजीज जे रक्तचापर जदि ह्रास वृद्धि घटे तेल आम शरीर भितर उत्तेजना सृष्टि हुए आम शरीर निष्क्रियता निस्तेज हो जाए तो ये रक्तचाप को जदि आम सठिक करूँ इफ वी कंट्रोल द ब्लड प्रेशर एंड वी मेंटेन ए इवन प्रेशर ताले कौन हम ना जदि संतुलित अवस्था रक्तचाप को आम रखिपारू तो शरीर भितर स्थिरता आसीपर एवं ये रक्तचाप को स्थिर करने रक्तचाप सृष्टिकारी जंत्र किए ना हृदय जंत्र बा हृत्पिंड आम जहाँ कहचे बा हार्ट रेसन जितेबले हृदय क्षेत्र को आम निज आयतरे रखिपर से रक्तचाप को आम प्रत्यक्ष भाव में निज आयतरे रखिपर रक्तचाप आम अनायत हम ना तो ये मन को अंकुशित कर रखा रक्तचाप को संतुलित कर रखापी रुद्राक्ष माला धारण करार आवश्यकता अच्छे से रुद्राक्ष माला केते दाना हवा दरकार ना 108 दाना हवा दरकार 108 युक्त 1 बा मेरूर व्यवहार रहा दरकार तो ये 108 दाना विशिष्ट रुद्राक्ष दाना जदि आम धारण करुचे हृदय क्षेत्र में तेल हृदय क्षेत्र में जो कारण पाई आम शरीर भितर अस्थिरता आसुचे बा आम सामाजिक स्तर में अस्थिर होचे साधनार क्षेत्र में अस्थिर होचे एकाग्रता आम करें से सब स्थान यह सा तो हृदय क्षेत्र में आमको 108 रुद्राक्ष माला धारण करवा दरकार एवं तार लंबा केते हवा दरकार ये विशेष भाव में लंबार कथा चर्चा करण जेहेतु चापर कथा चर्चा करेणु तार दाना एवं लंबा कौटि पड़ा कथा जहाँ रुद्राक्ष निर्णय कह आम आग को चर्चा जारी रख 108 माला रुद्राक्ष व्यवहार करार कथा कौन कह जहाँ आम हृदय क्षेत्र कथा कौचे जो हृदय केते दाना विशिष्ट केते बीड रहा दरकार 108 विशिष्ट माला रहा दरकार मालार लंबा केते हवा दरकार जहाँ आम जितेबले गलार धारण करुचे से आम के चिंता करूने जे रुद्राक्ष लंबा कौन प्रभाव अच्छी बा इत्ते लंबा कहीं हम जहाँ विज्ञान सम्मत बाजू आम प्लेक्सस कथा कहचे बा चक्रर कथा कहचे से चक्र केमती शरीर सहित समन्वित रखे जो रुद्राक्षर जो आम कथा कहचे जे आम शरीर टी सृष्टि होचे कोठु ना पानी पवन लागी देह ये देहटा कौन पाई रही भागवत अति सरल कहला पानी पवन को लागिकी जो पदार्थ अच्छी तापाई शरीर रही पानी एवं पवन को लागि रही किए अग्नि पानी होची स्वाधिष्ठान मणिपुर चक्र होची अग्नि बा आम जो नाभीर ऊपर चक्र कथा कहचे से होची अग्नि एवं हृदय क्षेत्र होची पवनर तो जितेबले अग्नि सठिक भाव में संचरित होती शरीर भितर बा शरीर में तापमात्रा ठीक अच्छी से पर्यंत शरीर सुस्थ अच्छे जदि तापमात्रा संपूर्ण लोप पाई जाए ताले मृत हो जीवा जदि ह्रास घटे सन्निपात हम जदि वृद्धि घटे ताले ज्वर भली रोग सृष्टि हम तेणु ये अग्नि को सठिक करी रखिबा दरकार
ଏବଂ ଅଗ୍ନିକୁ ସଠିକ୍ କରି କିଏ ରଖିବା। ଆମେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ କାଠ ଚୁଲି ବ୍ୟବହାର କରୁ ବା କେଉଁଠି ବାହାରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରିଥାଉ ସେତେବେଳେ ଦେଖୁ ଯେ ଅଗ୍ନିର ପ୍ରଭାବ ବୃଦ୍ଧି କେତେବେଳେ ଘଟେ ନା ଯେତେବେଳେ ପବନ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ସେ ଆସେ। କାହିଁକି ନା କୁ ଜଳେଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅମ୍ଳଜାନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେ ପବନ ହିଁ ଯୋଗେଇଥାଏ। ତ ଯେତେବେଳେ ପବନ କମିଯିବ ପବନ ଦୂରେଇଯିବ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ନା ଅଗ୍ନିର ଯେଉଁ ମାତ୍ରା ଅଛି ଯେଉଁ ଜ୍ୱଳନ କ୍ରିୟା ଅଛି ସେ ସ୍ଥିର ହୋଇକି ରହିବ। ତେଣୁ ପବନଠୁ ଅଗ୍ନିକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ଦରକାର ବା ନାଭିଠୁ 2 ଇଞ୍ଚ ଉପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଳାରେ ଲମ୍ବିଥିବା ହାରର ଲମ୍ବା ହେବା ଉଚିତ। ବହୁତ ସମୟରେ ଆମେ ନାଭି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଦିଏ ନାଭି କ୍ଷେତ୍ର ତଳକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁ ଯାହା କରିବା ଅନୁଚିତ। ଯଦି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଉପନିଷଦର କଥା ଆମେ ମାନିବୁ ତାହେଲେ ଗଳାରେ ଧାରଣ କରିଥିବା ଯେଉଁ ମାଳା ଅଛି ସେ ମାଳାର ଲମ୍ବ ନାଭିଠୁ 2 ଇଞ୍ଚ ଉପରକୁ ରହିବା ଦରକାର ଏବଂ ଗଳାରୁ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବା ଦରକାର ନା ଛାତି ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବା ରହିବା ଦରକାର। ଯଦି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ମାଳା ପିନ୍ଧୁଛେ ତାହେଲେ ଆମର ଚକ୍ର କଥା ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛେ ଚକ୍ର ଉପରେ ଆମର ଅଙ୍କୁଶ ରହିବ। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ଯେ ହୃଦୟ କ୍ଷେତ୍ର କଥା କହିଲେ ହୃଦୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆହୁରି କିଛି କଥା ଅଛି ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା କିନ୍ତୁ ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ କଥା କହୁଛେ। ସାଧକମାନେ ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ଯେତେବେଳେ ନିମ୍ନ ଅଙ୍ଗ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଅଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ବିଧାନ ଅଛି। ଅଣ୍ଟା ତଳକୁ ଆମେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କରିବା ଅନୁଚିତ ଏବଂ ଅଣ୍ଟା ପାଖରେ ଧାରଣ କ'ଣ ପାଇଁ କରିବା ନା ଟୁ ରିଲିଜ୍ ଅଲ୍ ଦ ଇମୋସନ୍ସ। ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମକୁ ସ୍ଥିର କରିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିରତା ଆସିଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କ'ଣ ହେବ ଯେଉଁ ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅସ୍ଥିରତା ଅଛି ସିଏ ଦୂର ହେଇଯାଏ ସତ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମନର ଆବିଳତା ଅଛି ସିଏ ଦୂର ହୁଏ ନାହିଁ। ଅଲ୍ ଦ ଇମୋସନାଲ୍ ବ୍ଲକେଜ୍ ତ ସେ ଯେଉଁ ଇମୋସନ୍ ଅଛି ସେ ଇମୋସନ୍ କେଉଁଠି ଯାଇକି ରେଷ୍ଟ ନିଏ ନା ଲୋୟର୍ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ସ୍ପାଇନ୍ ଯା ଯେଉଁ ମୂଳଧାରା ଚକ୍ର ଆମେ କହୁଛେ ବା ଯେଉଁଠି ମେରୁହାଡ଼ ସରିଛି ଯାହାକୁ ଯୋଗ ଅସ୍ଥି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହୁ କକେକ୍ସ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହୁଛେ ବା ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର ସେତେବେଳେ ଏତେ ଆଉ ଫାଇନାଲ୍ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ନଯାଇ ତାକୁ ତଳ ସ୍ତର ବା ମୂଳଧାରା ବା ଯାହା ଆଧାର ସବୁ ଜିନିଷ ଯାଇ ସେଇଠି ଜମାଟ ବାନ୍ଧେ ଏବଂ ସେଠି କ'ଣ ହୁଏ ନା ବ୍ୟାକ୍ ପେନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ସାଧନାରେ ବସିବ ବା ଏକାଗ୍ରତାରେ ବସିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସ୍ଥିର ହୋଇ ବସିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ ସେ ଚକାସନ ହେଉ ପଦ୍ମାସନ ହେଉ ସହଜାସନରେ ହେଉ ବସିବ। ତ ସେ ସମୟରେ ଯଦି ମୂଳଧାରା ବା ମୂଳ ଆଧାରରେ କୌଣସି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୁଏ ତାହେଲେ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖାଦେବ। ତ ସେଠି ସ୍ଥିରତା ପାଇଁ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କରିପାରିବା ଯାହା ପଛପଟକୁ ବା ମେରୁହାଡ଼ ସଂଲଗ୍ନ ହୋଇ ରହିବା ଦରକାର ଏବଂ ସେ ଜାଗାରେ ଯାହା ଆମେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛେ ଯାହାକୁ ବ୍ୟାକ୍ ପେନ୍ ଅଛି ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଥିଲେ ଯାହାକୁ ଲୋୟର୍ ବ୍ୟାକ୍ ପେନ୍ ଅଛି ସେମାନେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ସାଧକ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କରିପାରିବେ। ପାଞ୍ଚମୁଖୀ 5ଟି ଧାରଣ କରନ୍ତୁ ବା 17ମୁଖୀ ଏବଂ 21ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ସହିତ ଆଉ 3ଟି 5ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମିଶାଇ 5ଟି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଅଣ୍ଟାରେ ଧାରଣ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଅଣ୍ଟା ପଛପଟକୁ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ରହିବା ଉଚିତ। ଏହା ହେଉଛି ଶରୀରକୁ ନେଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାରେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା କଥା ତ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣର କଥା ଯେ କ'ଣ କ'ଣ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ କେମିତି ଆମେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କରିବା। ତାପରେ ଆସୁଛି ଯେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ସହିତ ଆମେ ଅନ୍ୟ ମାଳି ଗୁଡ଼ିକର ଧାରଣ କରିପାରିବା ନା ନାହିଁ ଯାହା ଆମେ କହୁଛେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଏମିତି ସଂସ୍କୃତିକି ଯାଉଛେ ଯାହାକୁ ଫ୍ୟୁଜନ୍ କଲଚର୍ କହୁଛେ ବା ଗୋଟେ ମିଶ୍ରିତ ସଂସ୍କାର। ଆମ ପ୍ରାଚ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ମିଶ୍ରିତ ସଂସ୍କାର ଅଛି ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ନ୍ୟୁ କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ମିଶ୍ରଣ କରାଯାଉଥିଲା ଶରୀରକୁ ଦେଖିକି ମିଶ୍ରଣ କରାଯାଉଥିଲା ଶରୀରର ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖି ମିଶ୍ରଣ କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ତା'ର ସୁଗୁଣକୁ ଦେଖି ମିଶ୍ରଣ କରାଯାଉଥିଲା ଯେ ମିଶ୍ରଣ କ୍ଷତିକାରକ ନ ହଉ ମିଶ୍ରଣରେ ଆମେ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି କରୁ ସେଥିପାଇଁ ମିଶ୍ରଣ କରାଯାଉଥିଲା। ତ ସେ ମିଶ୍ରଣରେ ଯେମିତି ଆମେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ସହିତ ଆଜିକାଲି ଦେଖୁଛେ ଅନେକ ମାଳି ଗୁଡ଼ିକର ସଂଯୋଗ ହେଇଛି ଯେମିତି ଆମେ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ କଥା କହୁଛେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ସହିତ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ମିଶାଇ ଧାରଣ କରିବା ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ
माळी अन्यान्य धातु अन्यान्य रत्न पत्थर धारण करिबा एहा धारण करि हबो। अनेक समय रे आम भितरे गोटे द्वंद्व आसे जे रुद्राक्ष सहित एगुड़ी को धारण करि हबो, जहाँ शास्त्र अनुजाई विधिमत भाव रे आम ग्रहण करि पारिबा, किंतु सेतिपे विशेषज्ञंकर आवश्यकता दरकार। जिमिति आम बजार देखुचे फैशन पाई हो बा तार औषधीय गुण जाणी थांतु सेतिपे हो बजार आम देखुचे जे स्फटिक माळी सहित रुद्राक्षर मिलन करके माला सृष्टि करा जाउचे बा से माला धारण करुचंति। से माला धारण करिवा द्वारा अनेक सुगुण अछि, किंतु जदि कोनोसी व्यक्ति श्वास रोग रे पीड़ित होइथांति एवं ए परिमाला धारण करती ताले श्वास रोग वृद्धि हबो। तुम ये जो वस्तुर वस्तुत्व को नहीं जो आम चर्चा करवा गोटे फ्यूजन अनेक गुड़े मालार व्यवहार कथा आसो सेत गोटे विशेषज्ञ मत निहाती भाव लोड़ा एवं नवा मध्य उचित देखा चिठी आज किए कौन जानवा चाहते ये चिट्ठी आसी कॉलेज रोड केउझर चिट्ठी को लिखिंट सस्मिता साहू से लिखिंट गुड्डी भौणी की मोर स्नेह गुरुजी को मोर प्रणाम जय गुरुदेव। तापर से लिखिंट मोर बयस 53 वर्ष ओजन 70 केजी उच्चता 5 फुट 5 इंच 30 वर्ष पूर्व प्रथम डेलीवरी में 2 मास पर अंटा विंधा प्रबल है आउ 2 संतान होती बहुत जगार औषध खावापर सुफल मिलना डॉक्टर अंटा ऑपरेशन परामर्श देते आम ऑपरेशन करना आपण प्रोग्राम शुणिकी आम योग प्राणायाम मॉर्निंग वॉक सब करुचु गंगाशिवली पत्र रस सेवन करी बर्तमान मोर असुविधा होटार मझीरे दरज रोच पिठीर डाहाण पटटी एवं मेरुदंडटी बंका हो जाए कम प्रेसर पड़े डाहाण पट पिठी नितंब पर्यंत टाणी हो रही जितेबाला थंडा हुए परिसा कंट्रोल रोना बरूर मुद्रा करुच्ची नाक जीभ गला एवं ओठ दिन और राति सुखिला लगुच खरादने पिठी एवं पादतल पोड़ा जल हुए ओदा कपड़े पोछले टी आराम लगे मोर हाई बीपी गैस एवं थंडा समस्या रही कौन करने द्वारा यह सब समस्या मु समाधान पाई अनेक रोगर कथा एवं समाधान पाई इच्छुक किंतु एमिति अनेक गुड़िए सूचना अच्छी जो सूचना गुड़ी को से दे पारिना जहाँ चिकित्सा पाई एकांत आवश्यक एवं से बहुत समय आम कहूँ जे जहार रोग हो तार व्यक्तिगत उपस्थिति अनेक समय चिकित्सा रे आवश्यकता अच्छी दूर देखिले अनेक गुड़े कथा जाणी हुए नहीं अनेक गुड़े कथा पचारिवाकु चाहिले आम पचारि पारुने जो मेरुहाड़ जंत्रणा कथा लेखिले प्रथमतः जी प्रथम जन्म करिवा परे संतान तांकर मेरुहाड़ जंत्रणा होइछि से लिखिनांति जे प्रथम जो जन्म देछन संतान को से नॉर्मल डेलीवरी ना सीजेरियन बहुत समय कौन हुए जितेबाला आम एनेस्थेसिया नहीं था बैकबोन एनेस्थेसिया तो सेतबले से एनेस्थेसिया पेन मध्य रही जाय पारे जहार सहज एवं सरल चिकित्सा जदि से सीजेरियन होता है और से जंत्रणा थाए अनेकांश रे निशा पदार्थ मध्य चिकित्सा पाई साहय करिथाय रेगुलर जदि से दिन को दिबेला कॉफी पियंती बा जो कॉफी रे जो कैफीन अछि से गुड़िक जंत्रणा दूर करिया पाई साहय करिवो ये होची सरल सहज चिकित्सा किंतु तापरे आउ गोटे कथा छि आउ गोटे पद लेखिले जे मेरुहाड़ बंका हो जाइछि स्कोलेटिस बोली आम कौचे जो मेरुहाड़ बंका तेनाली बंका केमिटी गोटे करू को बंका जहाँ सीधार अच्छी से लगुच आग को पलैवा पछक पलैवा जेहेतु से अंटा बंका हवा कथा लिखिं परिस्रा समय से कंट्रोल करी बहुत समय जो तो लुम्ब स्पंडलाइटिस हुए एवं मेरुहाड़ आग को जाए चाप सृष्टि करे सेतबेला आमर मूत्राशय उपरे तार प्रभाव रखे जो समय रे आम जितेबले आधुनिक चिकित्सा कथा कहू सेतबेला आधुनिक चिकित्सा रे अस्त्रोपचार रा आवश्यकता था वरुण मुद्रा केवल मूत्र जनित रोग
बा बहुमूत्र रोगरु दूर करिवा साहाज्य करिथाय किंतु जेतोले गुटे बाहारु कोनोसी चाप सृष्टि होउची सेतपई व्यायामर आवश्यकता अछि। लोअर बैक पई जहाँ योग चिकित्सा अनुसार जड़े पेटे कि शोब एवं दि गोड़ गोटे परे गोटे गोड़ को हलैवा दरकार एवं गोड़ जो गोईठी अच्छी से गोईठी पिछा को छुईवा दरकार तापर पुणी पिठी पटे शोबे एवं जमी ट्विस्ट करते बैकबोन ट्विस्ट करने को पड़े। चलवा विभिन्न एक्सरसाइज करवा कथा कहले चलिए आमर जो मेटाबोलिक अच्छी से गुड़िक रे परिवर्तन आसे किंतु मेरुहाड़ जनित कौन सी रोग पाई चलिबार प्रभाव अपेक्षा व्यायाम रो अधिक आवश्यकता अच्छे एवं व्यायाम एमती हवा दरकार जहाँ रिलेट कर लोअर बैक को तो जो व्यक्तिगत उपस्थितर आवश्यकता अच्छी विभिन्न व्यायाम जो पोजिशन कथा कहले से कथा जानवापी मूत्रपाई वरुण मुद्रा अभ्यास करतु एवं वरुण मुद्रा सहित निर्मूली लटा राति 20 ग्राम ओजन निर्मूली लटा पानी गोटे ग्लास पानी रे बतुरे के रखंतु सखाळु निर्मूली लटा काढ़ी दे से पानी ग्लास टी अधुआ मुहरे पियंतु। तृतीय कथा लेखिले जे पाद पोड़ा जला हबा बा पाद रे जंत्रणा हबा गोड़ रे जंत्रणा हबा पाद पोड़ा जलार दुईटी लक्षण गोटे होची यदि गैस हेथिबो बा जदि तांकु पाइल्स पिस्तुला थिवा आक्टिव कंडीशन रे और इन स्लीपिंग कंडीशन बा ऑपरेशन करी पारी थिबे से विषय रे से लेखि नांती जोति पै पाद पोड़ा जला पाद जंत्रणा कथा कहउछंती पाद रे माटी लेप दबा एवं खाद्य जो ग्रहण करिवार समय सटीक रखिबे खाद्यर परिमाण कमे देबे अधिका थर खाइबे किंतु कम परिमाण रे खाइबा दरकार खाइबा पूर्वरु चळु करिवार आवश्यकता अच्छी खाइबा भितरे पानी पीबे नाही खाइबार 40 मिनट परे पानी पीबे यदि ये सब करती निश्चिंत आरोग्य अनुभव करिवे किंतु संपूर्ण निरोग हवा पाई व्यक्तिगत उपस्थिति हवा एकांत आवश्यक। आज्ञा गुरुजी विभिन्न प्रतिकार आपण कहिछंती तबे आज अध्याय पाई समय सर जाइछि बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु जय गुरु। प्रार्थना आम आनंदर उत्स।